नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स। और आज हम चैनल 1 से लेकर 12 तक सब जगह आपके समक्ष प्रस्तुत हैं अपनी एक खास पेशकश लेकर, जिसका नाम है एक्सपीरियंसेस विद डिसलेक्सिया, यानी कि अपपठन के अनुभव। एक ऐसा विषय जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। और जब इसकी पहचान होती है तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, और वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और वहाँ से परेशानियाँ शुरू होने लगती हैं। अपपठन या डिसलेक्सिया एक अधिगम दिव्यांगता है, और इसका जो प्रकटीकरण है वो मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य के अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है, जिसे हम डिसलेक्सिया या अपपठन कहते हैं। तो आज हम इस खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं हमारे इस टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम के विशेष सत्र में। और आप हमारे साथ जुड़े हैं NCERT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो आप फ़ोन नंबर डायल करेंगे 8800-440-559। ये हमारा जो है फ़ोन नंबर है, जिससे आप हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पैनल में, जो आपके साथ आज आपकी कुछ इस तरीके की परेशानियां हैं तो उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ स्क्रीन साझा कर रही हैं मिस भूमिका लोहिया, आप इंटरप्रेटर हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जो भी डिस्कशन होगा, जो भी चर्चा होगी इस सत्र में, वो इसको इंटरप्रेट करेंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर सौरभ, आप कॉपी राइटर हैं और एक एड एजेंसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सौरभ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। और कॉपीराइटर एक ऐसा पेशा है जिसमें कि लिखना और पढ़ना दोनों बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मुझे लगता है सिक्के के दो पहलू की तरह है, और दोनों ही एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते किसी भी क्षण। बहुत अच्छा पेशा, और यदि ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है बहुत बेहतर है। हमारे साथ एक और ख़ास शख्सियत जुड़ रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, शुभांग शर्मा आपका नाम है। शुभांग जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हेलो सर, इट्स अ प्लेजर। सो नाइस ऑफ यू। और आप दोनों हमारे साथ जुड़े, हम अपना सत्र शुरू करते हैं। और मिस्टर सौरभ, आप कॉपी राइटर हैं, लिखते हैं आप। हमने कहा कि लिखने और बोलने में जो परेशानियां होती हैं, जाहिर सी बात है कि पढ़ने में भी होती है डिसलेक्सिया की जब हम चर्चा करते हैं, तो आपने क्या मुश्किलें सबसे पहले फेस की और कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ, कैसे आप, जब मेरे ख्याल में हमने बात की कि बच्चों में सबसे पहले जब आइडेंटिफाई होता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और आज आप कॉपी राइटर हैं, तो आपने बताया कि ठीक है मुश्किलें होती हैं, हो सकती हैं किसी के भी साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे पार नहीं पाई जा सकती। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुभव। जी देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले तो कि डिसलेक्सिया है क्या। ठीक है, डिसलेक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है, इसको डिसऑर्डर कहना या बीमारी कहना मुझे लगता है अनुचित होगा सर। ठीक है, ये एक कंडीशन है जो किसी के भी साथ हो सकती है जी। शुरुआती तौर में जब बच्चा स्कूल में जाता है, वो लिखना पढ़ना शुरू करता है, तो हम इसको ज़्यादा कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती है, वो शब्दों को पहचानने में दिक्कत करता है, उसे प्रॉब्लम होती है शब्दों को पहचानने में। ठीक है, और आमतौर पर शुरुआती दिनों में हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल होगी कि वो कुछ कठिन शब्दों को लिखने में, उनको पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया में होता है कि उसको ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा समय तक चल जाती है। ठीक है, और परेशानी शुरू होती है इसके कॉन्सिक्वेंसेस या कह लीजिए इसके असर होते हैं उसकी वजह से। आप कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मानसिक है, तो ये फिर उसके दिमाग में एक जहन में बात बैठ जाती है कि मैं जो काम लोग आसानी से कर पाते हैं वो नहीं कर पा रहा हूं। तो ये एक तरह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी के कारण फिर उसके अंदर ये चीज़ घर करती जाती है, और ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। और इसको ओवर कर कम करने का सर एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि देखिए, हर किसी को चीज़ों को टैकल करने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का भी समझने का तरीका अलग होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए वहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखें, अपने बच्चे की समस्या को समझें, उनको फोर्स ना करें चीज़ों को कि हाँ तुम अच्छा करो। उनका अपना तरीका, इंटेलेक्चुअल तरीके से उसको पार करने का। मेरे केस में बहुत फॉर्चुनेट था, मेरे घर वाले इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थे, काफ़ी अवेयर थे इस चीज़ को लेकर, मेरे टीचर्स भी ऐसे ही थे। और धीरे धीरे ओवर द टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब आपको डिसलेक्सिया है तो आप चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया, एंड जैसा कि आपने कहा, थैंक यू, कि मैं आज उस फील्ड में हूँ जो एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है, चीज़ों को पढ़ना, लिखना, समझना। बिल्कुल, तो ये और कम शब्दों में अपनी पूरी बात को रखना कॉपीराइटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसको वो बखूबी ना सिर्फ सामना करता है और एक ऐसी लाइन लिखता है जो अमर हो जाती है और जिसके हम मुरीद होते हैं। सभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के यूज़र हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है कॉपीराइटर की। हमारे साथ शुभांग जी जुड़े हुए हैं, शुभांग जी जो है एडवोकेट हैं।
और एडवोकेट भी एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। जब आप किसी वकील के चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे मैनुअल्स रखे होते हैं, बहुत सारी कानून की किताबें रखी होती हैं, और वो एक डॉक्टरी का पेशा है जो हर दिन एक नई रिसर्च हो रही है, एक नया पेपर लिखा जा रहा है, और वो जो जजमेंट्स आ रहे हैं उनकी रीजनिंग लिखी जा रही है, वो उनको पढ़ना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि शुभांग जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जो शुरुआती दौर था जब आप इस बीमारी को, बीमारी मुझे नहीं लगता कंडीशन, जैसा कि इन्होंने बताया मैं सौरभ जी ने, मैं उस बात को कंडीशन ही कहूँगा, सो हाउ डिड यू फील इट, और ये आपके घर में किसने देखा, एंड व्हेन डिड यू ओवरकम, और फिर आपने कब अपनी शुरुआत की? सो लाइक एज राहुल सेड, डिसलेक्सिया इज अ कंडीशन ऑफ जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है शुभांग जी? नॉट लव, सॉरी, माइनस करना आपके रहते हैं, आप यू लर्न टू कोप अप विद इट ओवर द इयर्स। तो जी, आपकी आवाज क्लियरली आ रही है, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। प्लीज 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 कंटिन्यू। या सो मैं अगर अपनी बात करूं तो गोइंग बैकवर्ड्स, मैं सातवीं कक्षा में था, आई वाज इन 7th ग्रेड। तो ये होता था कि मेरी राइटिंग स्पीड काफी स्लो थी, तो एग्जाम्स में मुझे पता रहता था जवाब, बट मैं लिख नहीं पाता था। तो दैट्स द टाइम व्हेन इट वाज, मेरे पेरेंट्स को लगा कि इसमें एक पैटर्न है। यूजुअली डिसलेक्सिया में एक चीज और होता है कि एक पैटर्न रहता है, तो ये समझने में पेरेंट्स को, अभिभावकों को, उससे टीचर्स को, तो जैसे मेरा ये पैटर्न था, राइटिंग स्पीड स्लो थी, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो 7th ग्रेड में मैं जब था तब ये चीज डायग्नोज हुआ था। तो क्योंकि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं। तो मुझे बैंगलोर जाना पड़ा, फिर मैसूर जाना पड़ा, जैसे वहाँ पे नेपान सिंह इंस्टीट्यूट है, फिर ऑरिजिनल स्कूल ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, तो वहाँ में इसका जो भी डायग्नोसिस हुआ, एंड देन वी गॉट टू नो। तो फिर उसके हिसाब से कुछ एकेडमिक रिलीफ मिली थी मुझे, जैसे एक्स्ट्रा 1 आवर। मेरे को मेन प्रॉब्लम स्कूल तो निकल गया, बट मेरे को लॉ स्कूल में प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज लाइक मैं एनएलयू रायपुर में गया, एनएलयू क्लैट क्लियर करके। तो मैंने ग्रेजुएशन एनएलयू रायपुर से किया, फिर मैंने मास्टर्स किया पिछले साल गुजरात नाशका यूनिवर्सिटी। सो एनएलयू में मेरा मेन जो चैलेंज था, लाइक मेन बैटल आई फेस्ड वाज माय ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन। सो व्हेन आई वाज इन 4th ईयर 5th ईयर, मेरे मेजॉरिटी ऑफ बैक्स थे, अगेन क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि लॉ में लिखना बहुत पड़ता है, रिसर्च बहुत करना पड़ता है, तो केस लॉज रहते हैं, लीगल इलस्ट्रेशंस रहते हैं, हर एक, मतलब तकरीबन ऐसे बोले तो अगर एक दो लाइन का प्रश्न रहता है तो उसको हमें 10 पे 10 पन्ने पढ़ने पड़ते हैं। तो यही एक था जिसमें मेरे को फिर बहुत बैकलॉग्स थे मेरे, खासकर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को फिर भी आई कोप द, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लाइक आर्ट्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, बट लॉ वॉज समथिंग विच इनिशियली वॉज अ सेटबैक फॉर मी। तो फिर एक मैंने हमने हाई कोर्ट में केस रिट पिटीशन फाइल किया, मतलब एज अ स्टूडेंट ही मेरे को एक अपने केस के थ्रू मैंने ज्यादा लॉ सीखा, क्योंकि मैंने रिट पिटीशन फाइल किया। तो दैट वाज फॉर एकेडमिक रिलीफ इन हायर एजुकेशन फॉर पर्सन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो अगर आज की तारीख में भी आप ये केस देखें, शुभांग शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये एक प्रेसिडेंट है अपने आप में। तो आपको अभी भी इंटरनेट में इंडिया कानून में या किसी भी लीगल जर्नल में मिल जाएगा। तो ये एक लैंडमार्क केस था जिसमें जैसे मैंने प्लीड किया था कि मेरे केस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मुझे चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आंसर्स पता है जैसे केस लॉ या उसका जो भी पर्टिकुलर जैसा है सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड, बट आई कांट राइट दैट मच। तो जैसे ये था कि आप अपने आप को खुद को सबसे अच्छा जानते हैं, तो मेरे को पता था कि जैसे ये वाला अगर सेटअप रहा तो उसमें मुझे डिग्री मिल जाएगी, मतलब आई विल बी एबल टू क्लियर द पेपर एंड ऑल दैट। तो वी वर्कड अराउंड इट, एक साल डेढ़ साल तो केस के लिटिगेशन में लगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में एक डेढ़ साल लग गया। तो मेरे को 2015 में जो ग्रेजुएट होना था, मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ। देन आई ट्राइड, आई वाज ट्राइंग फॉर आर्मी जैक ऑल्सो, so I just tried two attempts, उसमें age limit criteria रहता है, but I was fortunate enough that मैं SSB recommend हो गया था, was all India rank 14, but army jag में जो army में जो lawyers का एक अलग से separate entry होती है, judge advocate general के लिए, तो मैं उसमें all India rank 14 था, SSB recommend हुआ था, उसके बाद merit list में I got merit out, क्योंकि उसमें सिर्फ 7 vacancies थे, तो there was lot of competition। Meanwhile I joined, I cleared CLAT again,
And this time in LLM, I didn't have that much difficulty because already there was a precedent sent by Bilaspur High Court with regard to academic relief. So, मुझे वो examination pattern जो था थोड़ा objective के हिसाब से था. तो फिर LLM मैं clear कर लिया last year जब pandemic first wave था Mumbai. And then I worked with an organization now. For the last 6 months I worked. बहुत ही अच्छी ये सब बातें हैं और बहुत ही सकारात्मक पहलू है एक एज अ व्यक्ति यदि मैं कहूँ. वी आर सेलिब्रेटिंग डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ और आपने कहा कि आप रायपुर में रहते हैं वहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम है, आपको अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर जाना पड़ा. तो आज आप सक्षम हैं, आप खुद अकेले थे जब आपने चीज़ें शुरुआत की, आपने खुद अपनी मेहनत करी आप या आप यहाँ तक पहुँचे. अभी आप क्या कर रहे हैं इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, यदि ऐसा कोई प्रयास है आपका, जैसे आपने कुछ पेटिशंस के बारे में बताया जो आपने फाइल की, आपने रीजनिंग लिखवाने तक का प्रयास किया, तो ऐसे क्या चेंजेस आप लाने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे साथ साझा करें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसे जान सके. और ऐसा यदि बच्चा किसी के घर में है तो उन्हें एक पॉजिटिव नोट मिले, एक ऐसी आशा की किरण मिले ताकि वो उस रोशनी से अंधकार दूर कर सकें जो एक बहुत सारा अंधकार उनके आसपास छाया होगा क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है. दरअसल वो अंधकार नहीं है, वो सिर्फ आँखें मूंद रखी हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी तो अभी तो एकदम शुरुआत से पहल कर दें बिकॉज़ आई एम आल्सो वेरी न्यू टू दिस. तो जैसे मैं यहाँ पे अगर ग्रास रूट लेवल अवेयरनेस की बात करें तो मैं यहाँ पे अभी जैसे RPWD एक्ट है, पहले PWD एक्ट 1995 था जिसमें 60 डिसेबिलिटीज थी, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूडेड नहीं था. तो अभी क्या है कि 2016-17 में मतलब प्रैक्टिकली 2017 में न्यू एक्ट केम, दैट इज RPWD एक्ट. तो इसके तहत जो 7 से है अभी टोटल दैट लिस्ट ऑफ 21 disabilities or being differently abled as we put it. तो अभी तो उसमें learning disability include हुआ. तो फिर जैसे मेरे को, जैसे मैंने अपना केस बताया कि मुझे टाइम लगा कोर्ट में implementation में क्योंकि ये एक रीजन था कि लर्निंग डिसेबिलिटी को उसमें रिकॉग्नाइज होने में टाइम लगा, जबकि मैंने 2015 में कोर्ट फाइल मैंने केस फाइल किया था और 2017 में ऊपर कवर हुआ ये. एनीवे मैं ये कह रहा था सर कि अभी जैसे मैं RPWD एक्ट के बारे में हमारे स्टेट में 2017 में छत्तीसगढ़ में एक इंटरप्रिटेशन के लिए मतलब एक कमेटी उसमें मतलब वाज अपॉइंटेड, जिसमें आई वेंट एज अ स्टेक होल्डर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. उसमें आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर एज अ लॉयर एज वेल एज बीइंग अ डिसलेक्सिक मायसेल्फ. And then, जैसे अभी मैं RPWD Act के तहत मैं उसको पढ़ा तो मुझे पता लगा कि it's about आपको जो भी documentation registration कराना है फिर से कराना है and it has to start with the district hospital. आप जिस जगह पे हैं वहाँ के district hospital से आपको इस चीज़ को test कराना है. तो उसके लिए उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि there is a battery. जैसे अगर मैं dyslexia की बात करूँ तो I guess there is this thing called Nimhans battery test. तो Nimhans battery जो है ये basically Bangalore का इजाद किया होगा, जो वहाँ पे institute है. और भी कुछ जगह है, but जैसे यहाँ पे मैं district hospital में इसका कुछ भी इनके पास infrastructure as in उनके पास इसके लिए कोई भी mechanism नहीं था. तो फिर मैं Apollo जो है रायपुर के Apollo institute में गया, मतलब AIIMS में गया, All India Institute of Medical Sciences. तो वहाँ पे भी वहाँ क्या साइकियाट्री या उसमें फैसिलिटी में दिस वाज नॉट देयर. सो देन आई गॉट टू नो, फिर मैं फिर से आई वेंट टू बैंगलोर एंड गॉट माय सर्टिफिकेट्स डन एंड देन आई गॉट टू नो कि लाइक आई एम 28, लाइक आई एम इन माय लेट 20s नाउ. तो मैं पहला बनता हूँ, मेरे को लगा कि वो 2004 में जब मैं डायग्नोज हुआ था तो तब तो उस वक्त पता नहीं था, बट अब एटलीस्ट जैसे तारे जमीन पर मूवी आए जी और प्लस अवेयरनेस जनरली मुझे लगा कि हो गया होगा 15 सालों में. बट आज की डेट में भी मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ कि जो नए बच्चे हैं, जो 10-12 साल के बच्चे हैं अभी जो मतलब इन द यंग एज ग्रुप आल्सो, जो मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आज तक उनके पास एक केस नहीं आया. तो ये वाकई में काफी हैरान करने वाली बात है. जबकि स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो मेरे को पता है कि हर 10 में से एक आदमी डिसलेक्सिक होता है. बिल्कुल, ये बिल्कुल विचारणीय बिंदु है और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और मिस्टर सौरभ भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में. आप दोनों के लिए एक कॉमन क्वेश्चन है, शुरुआत करेंगे सौरभ जी से.
कि हम लोगों को ये जैसे मालूम हुआ, आप खुद आपको मालूम हुआ, इनको भी मालूम हुआ, शुभांग जी को जी, टीचिंग लर्निंग में क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि टीचर्स को अपनाने चाहिए बच्चों को पढ़ाते वक्त आइडेंटिफाई हो सके, ताकि उन्हें हेल्प हो सके, एक उनकी हेजिटेशन दूर हो, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, जो प्रॉब्लम होती नहीं है दरअसल, वो एक कंडीशन है कि जब वो बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ वाले बच्चे पहले कर लेते हैं या एक मतलब एफिशिएंटली कर लेते हैं, तो वहाँ पर चेंजेस क्या आने चाहिए, कि ऐसा कुछ आपको फील हुआ कि जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए? जी बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, डिसलेक्सिक जो किड्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके पास भी आर्ट्स एक इनकी स्ट्रेंथ थी, और डिसलेक्सिक किड ना चीज़ों को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनका एक नज़रिया ही अलग होता है चीज़ों को देखने का, तो टीचर शुड ऑल्सो वर्क ऑन द स्ट्रेंथ्स, चीज़ों को विजुलाइज करके कलर्स के साथ, बड़े लेटर्स के साथ अगर उनको पढ़ाया जाए, दे कैन यूज़ स्पेशल टॉयज, खिलौने हो गए, ठीक है, स्क्रीन्स हो गए जिन पे ग्रीन कलर हो, क्योंकि इवन मी ऑल्सो, और मैंने रिसर्च भी इसके बाद आगे चल के जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि बच्चे को ही नहीं पता कि उसका समस्या क्या है, राइट, ठीक है, एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा, उसको नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, वो तो ये सोचेगा कि इज डम्प, ही इज़ नॉट डूइंग गुड, तो टीचर्स के लिए यहाँ पर ये करने लायक चीज़ है कि वो उसके लर्निंग पैटर्न्स को, बिहेवियर को समझें, उसको मॉनिटर करें, एनालाइज करें कि हाँ ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न से मिस्टेक करता है, उसके बाद उसके साथ वो स्ट्रैंड ढूंढे किस चीज़ में वो अच्छा है। विद मी, मेरे साथ क्या हुआ था, टीचर्स यूज कलर्स, ग्राफिक्स, गेम्स, हम लोग क्रॉसवर्ड्स खेलते थे टू रिमेंबर द स्पेलिंग्स, और दिस इज हाउ, मतलब मैंने चीज़ों को धीरे धीरे समझना शुरू किया, पिक्चर्स, आर्ट्स एंड ड्राॅइंग्स, इसने मेरी हेल्प की, बट द प्रॉब्लम इज बच्चों को नहीं पता होता कि उसका प्रॉब्लम है और वो इसको आगे कन्वे नहीं कर पाते हैं जी, तो टीचर्स का रोल यहाँ पर ये आता है कि दे शुड मॉनिटर देयर स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली, यहाँ पर उनका रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेम पेरेंट्स के साथ होता है, दे शुड ऑल्सो मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ देयर किड्स, कंपेयर करने की जगह इंस्टेड ऑफ उनको देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है और जिस चीज़ में वो लोग अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर गुड इन पोइट्री, सिंगिंग, आर्ट्स, ड्राॅइंग, वॉट एवर, उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए उनकी लर्निंग के साथ, रिपीटेशन की जाए उन वर्ड्स की जिन वर्ड्स में उनको प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन से एक अंडरस्टैंडिंग है सर, आपका बी डी पी क्यू, इन वर्ड्स को लेकर लोग बोलते हैं कि कन्फ्यूजन रहती है, रिपीट दीज वर्ड्स। मैं बताऊँ, ए और ई और सी को लेकर भी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, जी और वाई को लेकर कन्फ्यूजन होती है स्मॉल में, तो जिन वर्ड्स के साथ लोगों को प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम है, उन वर्ड्स की रिपीटेशन करवाई जाए, क्रिएटिव लर्निंग को, इंटेलेक्चुअल लर्निंग को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट किया जाए। और मैं स्टैट्स को थोड़ा और रेक्टिफाई करता हूँ सर, अकेले इंडिया में 35% लोगों को डिसलेक्सिया है, 35 एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर जो सामने आया है। मैं भी हो सकता हूँ, मुझे इसके बारे में हो सकता पता सर, अर्ली स्टेज में हो सकता है आपने इसको ओवरकम कर लिया, बिकॉज मेरे को पता चला व्हेन आई ओवरकेम इट टू फार, मतलब मेरे को 11th क्लास में आगे पता चला कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी एक्चुअली वो डिसलेक्सिया है, ठीक है। हालांकि ऐसा एक मेरे साथ भी है उदाहरण कि जब मैं क्लास में था तो मैं ठीक से बोल नहीं पाता था, हाँ। जिसको कि कहते हैं कि हकलाने की बीमारी थी, तो मुझे लगा कि मैं, मेरे सब हंसी उड़ भी उड़ाते थे जैसा कि सबके साथ होता है, मेरा साथ भी ऐसा हुआ और मेरे घर में भी कुछ लोगों को ऐसा था, तो मुझे लगा कि शायद ये जेनेटिक बीमारी है, पॉसिबल। लेकिन फिर जब मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, मैंने मेरा शायद क्लास 8th या 9th में मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट हो चुका था 98-97 में, तब मुझे लगा कि मैं ये चीज़ें पढ़ सकता हूँ, फिर मैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स रखता था पढ़ने के लिए, तो मुझे लगा, प्रैक्टिस मैंने वहाँ से की और मेरा फिर स्पीच देना शुरू किया मैंने अपने स्कूल में, पढ़ना असेंबली में हमको न्यूज़ पढ़नी होती थी, वहाँ से शायद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ और आज ये एक दौर है कि शायद मैं बेहतर तरीके से बोल पाता हूँ, अपनी बात सशक्त तरीके से रख पाता हूँ। तो चलिए, ये मुझे लग रहा है कि इनकॉर्पोरेट करने वाली जो चीज़ें हैं, बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को जो प्रयास है उन्हें बृहद करने की ज़रूरत है। शुभांग जी से जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। शुभांग जी, आप क्या चाहते हैं इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? हाँ हाँ सर, जैसे मैं ये कह रहा था कि डिसलेक्सिया इज अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से कहते हैं, तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक अगर आप देखें तो डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डायरेक्शन में लेफ्ट राइट वाला इशू, ऑडिटरी, स्पीच थेरेपी, तो इट्स लाइक बेसिकली डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ज्यादातर आप देखें इन द वेस्ट अमेरिका में काफी सारे सक्सेसफुल एक्टर्स, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स काफी हैं जो डिसलेक्सिक हैं। तो वो बेसिकली ये कि आपके पास ये रहता है, एक एडवांटेज रहता है कि एज अ डिसलेक्सिक
you are good with your visualization by and large, and you have a knack of thinking outside the box. तो उस हिसाब से हमें उनको वैसा अप्रोच होना चाहिए शुरू से टीचर्स या पेरेंट्स का कि उनको एक ऑल्टरनेट बच्चों को एक आप हमेशा उनको एक्सपोजर दें और उनको मतलब जैसे अगर पढ़ाई की बात करूँ तो जैसे किताबों के अलावा अच्छा भी पैंडमिक में हमने काफ़ी वर्चुअली हमने जैसे एजुकेशन सबका हो गया गूगल मीट गूगल क्लासरूम जूम वेबएक्स के माध्यम से तो ऐसे ऑडियो विजुअल कई बार होता है कि बच्चों को लिखने में समस्या होती है and they are good in audio visuals, तो वो अच्छे से visualize कर पाते हैं या उस चीज़ को कह पाते हैं, but उसे लिखने में दिक्कत होती है, जैसे मेरे साथ थोड़ा सा similar case, but कुछ लोग को speech में problem होती है, तो it's basically तो उनका जो है उसको empower करने के लिए they should be an approach. बिल्कुल, मुझे लग रहा है practical practical ही solution है. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले एक दो दशक में जो चेंजेस आए हैं और अभी हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी प्रैक्टिकल लर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इससे मुझे लग रहा है तमाम मुश्किलें जो है हल हो पाएंगी और उन बच्चों को भी लाभ होगा जिनको कि उनकी बीमारी या उनका कोई कंडीशन जैसे आपने कहा वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती. मैं भी ये ध्यान रखूंगा कि मैं डिसलेक्सिया यदि कोई मेरे सामने कहेगा तो मैं उसे ये कहूंगा कि ये बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है, आपको सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है, नोटिफाई करना है और रेक्टिफाई करने का प्रयास करना है. एग्जैक्टली. चलिए अब जी नए एक्ट में उसको डिफरेंटली एबल्ड कहा गया कमेंट्रीज में एंड जैसे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि ये उन्होंने दिव्यांगता के बजाय उसको बहुत अच्छा नाम दिया उन्होंने मेरे को अभी याद नहीं आ रहा इसके लिए बट एक ऑल्टरनेट वर्ड दैट मींस दिव्यांगता को दिव्यांगता उन्होंने बोला राइट दिव्यांगता तो दिव्यांग मतलब ये हमारे साइकोलॉजी पे साइके पे लोगों को एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देता है वर्ड का जब आप दिव्यांगता को दिव्यांगता कहते हैं. ठीक है. अभी मुझे लग रहा है विकिपीडिया पर भी ये अपडेट होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर विकलांगता लिखा हुआ है, हालांकि मैंने उसको दिव्यांगता पढ़ा और जाना. और अब ये दिव्यांगजन की जो आप बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है उसमें भी चेंजेस आएंगे और लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, लोग धीरे धीरे अपना लेंगे और हम लोग भी आगे जब बढ़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सबका साथ हो सबका विकास हो, अब हमने उसमें प्रयास भी जोड़ लिया है. मुझे लगता है कि भारत ऐसे ही आत्मनिर्भर नहीं बनने वाला है, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे सबको और जो हम कर भी रहे हैं. हमारे पास अंतिम 5 मिनट बचे हैं और मैं अब आप दोनों को आधा आधा समय देने का प्रयास करूंगा. सौरभ जी, आप कॉपीराइटर हैं, आपने प्रोफेशन को क्यों चुना, कब चुना और आप चूँकि डिसलेक्सिक थे जी, आपके साथ कंडीशन थी उससे ओवरकम किया, ये दूरी कैसे तय हुई? सर, कॉपी राइटिंग के पीछे मेरा जो बहुत बड़ा मोटिव था वो था मेरी विजुलाइजेशन. ठीक है. मेरी स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग थी, आई वाज गुड इन विजुलाइजिंग और मुझे लगता है बहुत सारे डिसलेक्सिक किड हम उसको डे ड्रीमिंग कहते हैं बट एक्चुअली वो हमारी विजुलाइजेशन है. ओके. तो बिकॉज आई वाज गुड इन विजुलाइजेशन मैंने कहा कि मैं इस विजुलाइजेशन को लोगों के सामने लेकर जाना चाहता हूँ. तो मेरे पास एडवांटेज था चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने का और मेरे पास चैलेंज था कि मैं उसको लिख कर दिखाना पड़ेगा मुझे. बिल्कुल. तो वहाँ पर मैंने अपने उस खूबी को और अपने उस चैलेंज पर दोनों पर एक साथ काम किया. मेरे सीनियर्स, इवन मेरे कॉलेज, मैंने मास कम्युनिकेशन किया सर, वहाँ पर मेरे टीचर्स मेरे प्रोफेसर्स ने मेरी बहुत हेल्प किया और धीरे धीरे उस चीज़ को प्रैक्टिस करके एक सही तरीके से अपने पैटर्न को समझ के प्रैक्टिस करके मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया. तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और इस चैलेंज से उभरने का ही एक जरिया था कि मैं राइटिंग में आऊँ और अपने उस विजुलाइजेशन जो मेरी पावर है उस चीज को यूज करना मेरा ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था. तो मैंने उस चैलेंज को और अपनी उस स्ट्रेंथ को आपस में मिलाया और आज मैं आपके सामने एज अ कॉपीराइटर हूं. बिल्कुल, ये सही कहा आपने और ये बहुत अच्छी बात है. अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेना ही मुझे लग रहा है सबसे अच्छी बात होती है. और आपने जैसा कहा मास कम्युनिकेशन आपने किया और मास कम्युनिकेशन की फील्ड को बहुत ज़्यादा सृजनात्मक फील्ड कहा जाता है और है भी. और आज हमारे देश में ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों नहीं बल्कि लाखों प्रोफेशनल्स हैं जो कुछ ना कुछ अपने लाइफ से अपने अपने स्टेट में अपने कंट्री में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं. एक रिस्पॉन्सिबल पेशा होता है वो. तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ लॉयर भी हैं. शुभांग जी, आपका क्या तजुर्बा रहा है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? क्लास 1-12 के सभी बच्चों के लिए ये हमारा प्रोग्राम है, सभी चैनल्स पर चल रहा है. जाहिर सी बात है कि टीचर्स भी जुड़े होंगे हमारे साथ और गार्जियंस भी जुड़े होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में ये काफी क्लीशेड बात हो गई बट दैट बात तो ये आज भी ये काफी सही है कि बच्चों को हमेशा से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन में धकेला जाता है कि आपको रैंक होल्डर बनना है और
जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग फिर लॉ, तो ये एक पहले से काफी स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आपको पता चले कि आपका आपके बेटे को आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया है, तो आप उन्हें एनकरेज करें कि जिस चीज में वो अच्छे हैं उस चीज को और वो उसको एक्सप्लोर करें, ताकि जैसे अगर तारे जमीन पर का मूवी भी देखा सबने, तो उन्होंने पता उन्होंने देखा कि वो दर्शील सफारी का कैरेक्टर, ही वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। सो बेसिकली आपको अपने द स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ यू शुड वर्क ऑन दैट, एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एनकरेज देयर चाइल्ड टू परस्यू हिज ड्रीम्स हिज ऑर हर ड्रीम्स। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर ओवरकम करने के लिए मुझे लग रहा है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना है, और जैसे ही आप प्रयास बढ़ा देते हैं तो आपको रिजल्ट जो आपका होता है उसमें धीरे धीरे समय के साथ बदलाव दिखना शुरू हो जाते हैं। एक दिन में नहीं आता रिजल्ट, हम ये सब जानते हैं, और यही जो है माता पिता को खासकर, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं वो, और जैसा अभी शुभांग जी ने भी कहा कि हाँ कॉम्पिटिशन हमेशा से रहा है भारत में, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन कभी किसी दौर में नहीं था, और आज मुझे लग रहा है शायद कॉम्पिटिशन चोटी पर है। सबको बेहतर करना है, सबको अच्छा करना है, और जाहिर सी बात है कि जो इतना बेहतर करना चाहते हैं वो रिजल्ट भी उतना ही बेहतर चाहते होंगे। तो सबको अपनी अपनी जो काबिलियत है उसको पहचान लेना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान लेना है, उसके हिसाब से हमें हमारे ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में होना चाहिए कि हमारे पास जितना है जो है वो इनफ है, और मुझे लग रहा है उसके बाद फिर मुझे लग रहा है इस तरीके की परेशानियों से हम पार पालेंगे, उबर जाएंगे, और मुझे लगता है हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्ति की हो रहा है। आप दोनों से मैं एक 30-30 सेकंड का समय और है, क्या कोई विशेष मैसेज वन बाय वन आपसे शुरू करते हैं सौरभ जी, बच्चों के लिए कुछ खास मैसेज? जी हाँ, देखिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, जो गलती मैंने की कह सकते हैं वो आप ना करें। अगर आपको कोई भी समस्या है पढ़ने लिखने में, शब्दों को समझने में, तो उसको अपने टीचर्स और पेरेंट्स के सामने लेकर जाइए, ठीक है? वो लोग जी झिझक को छोड़िए, और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है लाइफ में। आपको पता है ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन को भी डिस्लेक्सिया था, और आज देखिए वो कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं आपके सामने एक लाइफ एग्जांपल हूँ, बहुत बहुत बड़े लेवल पर नहीं, बट मैं आपके सामने एज अ नॉर्मल पर्सन बैठा हुआ हूँ। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, अपने तक मत रखिए, और चीज़ें आराम से धीरे धीरे स्मूथली चलना काम करना शुरू कर देंगे। चलिए शुभांग जी आपकी बारी। जो राहुल ने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आई वांट टू बी विद इट एज था फॉर व्हाट ही सेड फॉर मी फॉर माय बिहाफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं कहा कि हमें, क्योंकि लोग ज्यादातर समझते नहीं है, आपको खुद अपनी बात कहनी पड़ेगी। एंड ऐसे कई बार हुआ कि आप लोग आपको मजाक बनाएंगे, तो जो भी, सो वी शुडंट अलाउ दैट नेगेटिविटी टू गेट टू अस, यू नो, मतलब हमें पहले से थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब बच्चों के लिए कह रहा हूँ, टीनेजर्स के लिए कह रहा हूँ जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, सो दे हैव टू यू नो लाइक ब्रेस इट। एंड लोग अक्सर ऐसे कॉम्पिटिशन में लोग बातें कहते हैं कि इसका ये स्कोर है, ये एग्जाम है, ये परसेंटेज है, ये रैंक है, तो yes. हमें उस बातों से वो एकदम जो भेड़ चाल है उसमें बंधना नहीं है कि yes. सब लोग आईआईटी के लिए जा रहे हैं, जेईई के लिए जा रहे हैं, इतना स्कोर चाहिए, तब परसेंटेज चाहिए, यहाँ पे एंट्रेंस नहीं हुआ, तो उस बात को दिल में एकदम घर नहीं करना है हमें। वी शुड लुक विद इन रादर देन लुकिंग आउटवर्ड्स, वी शुड सी दैट व्हाट वी आर गुड एट। बिल्कुल, और हमारा बॉलीवुड इसमें हमारा बहुत साथ देता है, जैसे अभी शुभांग जी ने दर्शील सफारी की बात की, फिर हमने थ्री इडियट्स भी देखी, फिर अभी हमने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की भी एक बहुत अच्छी फिल्म देखी थी जिसमें उनका बेटा जो है एक छत से कूद जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, आपके सामने अपार संभावनाएं हैं, और आज हम उस देश में हैं जहां पर संभावनाएं सृजित करने के लिए हर दिन है, हर पल है, हर क्षण है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे विकल्प हैं जिन्हें आप तलाश सकते हैं। बहरहाल अब बिल्कुल समय इजाजत नहीं दे रहा है, सौरभ जी आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। धन्यवाद सर, थैंक यू। शुभांग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, और आपकी वकालत, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहे, आप तरक्की करें, और हमेशा जो ऐसा वर्ग है जिसको जरूरत है कानून की, जहां पर एक मदद की होती है, वो आप जरूर करें, ऐसी मेरी आपसे आशा है। आगे के फ्यूचर इवेंट्स में भी विद रिगार्ड टू लर्निंग डिसेबिलिटी आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आपका स्वागत रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। नमस्ते, थैंक यू। और मिस भूमिका लोहिया का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमारी जो भी बातचीत हुई डिसलेक्सिया पर उसको आपने इंटरप्रेट किया, थैंक यू वेरी मच। हमारा ये विशेष सेशन यहीं पर समाप्त होता है, ये YouTube पर अवेलेबल रहने वाला है, जब आपका मन हो इसको ज़रूर देखिएगा, बार बार देखिएगा, दोहराइएगा, और कुछ चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा, हम बदलाव ज़रूर लेकर आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। फिलहाल ये करते हैं यहाँ पर समाप्त हमारा सत्र, नमस्कार।